क्वेश्चन नंबर वन माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो कॉल्ड एस तो माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टरनेटिवली कॉन्ड्रियोसोम्स कहा जाता है इसी तरह से बायोब्लास्ट एंड सार्कोसोम्स भी माइटोकॉन्ड्रिया के अल्टरनेटिव नेम हैं क्वेश्चन नंबर टू विच वन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सेल डी एन ए आर एन ए करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू आर एन ए जो है वो सेल के अंदर मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मालिक्यूल है क्वेश्चन नंबर थ्री मैक्सिमम एंजाइम्स आर फाउंड इन लाइसम्स माइक्रोबाडीज न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन लाइसोजोम्स के अंदर जो है वो मैक्सिमम एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोलाइटिक नेचर रखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सेंथिसिस सेलवाल फॉर्मेशन लिपिड सेंथिसिस कोलेस्ट्रोल सेंथिसिस तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सेंथिसिस में इन्वॉल्व होती है क्योंकि रफ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव गॉल्जी बॉडीज ओरिजिनेट फ्रॉम तो गॉल्जी बॉडीज जो है वो ओरिजिनेट हुई हैं एंडोप्लाजिक रेटिकुलम से तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन वन है क्वेश्चन नंबर सिक्स इन मैमल्स द माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स आर 50s टाइप 70s टाइप 80s टाइप 100s टाइप तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन मैमल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स है वो 55S टाइप है क्वेश्चन नंबर सेवन पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम इज फाउंड ऑन साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडीज राइबोसोम करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर राइबोसोम्स के लार्जर सब यूनिट के ऊपर पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन सेंथिसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड क्वेश्चन नंबर एट सेमी ऑटोनोमस सेल आर्गिनेली इज माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम प्लाज्मा पेरोक्सिसोम आंसर है ऑप्शन वन माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो सेमी ऑटोनोमस आर्गिनेली कहते हैं क्योंकि इसका अपना जो है वो डीएनए आरएनए और प्रोटीन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं तो ये सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है तो इस तरह से ये एक सेमी ऑटोनोमस सेल आर्गेनेली है क्वेश्चन नंबर नाइन राइबोफोरिन वन एंड रॉइबोफोरन टू अक्र्स ऑन द सर्फेस ऑफ तो राइबोफोरिन वन एंड रोफोरिन टू ये स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स हैं जो कि रफ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम की सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं और इनका काम ये है कि राइबोसोम्स को आर ई आर के साथ जो है अटैच करवाते हैं क्वेश्चन नंबर टेन एट विच पी एच लाइसोसोमल अनजाइम्स रिमेन्स एक्ट फाइव सेवन एट टेन करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन लाइसोजोमल एंजाइम्स जो है वो एसिडिक पीएच रखते हैं और ऑलमोस्ट फाइव पीएच पे जो है वो एक्टिव रहते हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन द सन्थीसिस ऑफ सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज टेक्स प्लेस इन तो सेलुलोज और सेलुलोज ये बेसिकली सेल वाल के जो है वो मटीरियल्स uh, हैं जो कि सेल वाल की सेंथीसिस में इन्वॉल्व होते हैं और ये दोनों सेलोलोज और हेमी सेलोलोज तैयार किए जाते हैं गॉलजी कम्प्लेक्स के अंदर तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन थ्री बनेगा गॉलजी कम्प्लेक्स सेंथिसाइज द सेलोलोज एंड हेमी सेलोलोज सिमिलरली अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेलवाल की फार्मेसन के लिए कौन सा आर्गिनली रिस्पॉन्सिबल है तो गॉलि कम्प्लेक्स या गोलजी ऑपरेटर्स जो है वो सेलुलोज और हेमी सेलोलोज या सेलवाल की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व

लाइसोसोम जो है वो मल्टीपल फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है तो ये एक तरह का प्लियोमार्फिक सेल आर्गिनली है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन सेंथीसिस इज तो प्रोटीन सेंथिसिस का जो फंक्शनल यूनिट है उसको नाम देते हैं पोलीसोम्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू और पोलिसोम्स जो है वो मैसेंजर आर और राइबोसोम्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सेल आर्गिनाली रिच इन हाइड्रोलेजिस अनजाइमोकॉन्ड्रिया पेरोक्सीसोम्स क्लासोम लाइसोसोम तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर लाइसोसोम्स के अंदर जो है वो हाइड्रोलेजिस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सिंगल यूनिट मिम्ब्रेन आर्गिनाली इज राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट लाइसोसोम तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर लाइसोसोम एक सिंबल सिंगल मेम्ब्रेन आर्गेनैली है जबकि राइबोसोम जो है वो मिम्ब्रेन लेस आर्गेनेली है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन साइट ऑफ कैलवन साइकिल इज तो कैल्वन साइकिल डार्क रिएक्शन को कहते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होता है जबकि लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकाइड मम्ब्रेन में होता है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होता है क्वेश्चन नंबर एटीन विच आइन होल्ड्स द राइबोसोमल सब यूनिट्स टूगैदर तो राइबोसोमल लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स ये दोनों आपस में अटैच होती हैं विद दी हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आइंस कंसनट्रेशन तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन थ्री है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन प्लास्टिक विच स्टोर फैट्स एंड ऑयल्स आर कार्ड तो फैट्स और आयल्स को स्टोर करने वाले प्लास्टिक्स को नाम देती हैं इलायो का जबकि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने वाले प्लास्टिक अमाइलो प्लास्ट और प्रोटीन को स्टोर करने वाले प्लास्टिड एल्यूरोप्लास्ट कहलाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी स्मॉलेस्ट सेल सेल आर्गेनेली इज लाइसोसोम सेंट्रोसोम राइबोसोम गोल्जी बॉडी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री राइबोसोम जो है वो स्मॉलेस्ट सेल आर्गेनेली है विद इन द सेल और इसका डायमीटर ऑलमोस्ट ट्वेंटी नैनोमीटर तक होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन न्यूक्लियोलर आर्गेनाइजर इज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन टर्शरी कंस्ट्रक्शन तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर जो है वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है जबकि सेंट्रोमियर जो होता है क्रोमोसोम्स का वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू लैम ब्रश क्रोमोसोम्स आर ऑब्जॉर्व इन तो लैम ब्रश क्रोमोसोम्स एक तरह के जॉइंट क्रोमोसोम्स हैं जो कि एनिमल्स uh, के ओ साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पेशली एम्फीबियंस के अंदर और मैमल्स uh, के अलावा ये बाकी सब के अंदर प्रेजेंट होता है और ये लेम ब्रश को डिप्लोटीन uh, क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो प्रोफेज़ वन uh, की जो डिप्लोटीन स्टेज है उसके अंदर ये बनते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री साइट ऑफ मैसेंजर आरएनए रहे इन लेम ब्रश क्रोमोसोम्स इज़ तो लैम ब्रश के अंदर मैसेंजर आर एन ए जिस जगह पे सेंथिसाइज़ होता है उसको क्या नाम देते हैं बल्बयानी रिंग्स लेटरल रूप्स डार्क बैंड या फिर लाइट बैंड तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन मैसेंजर आर एन ए की सेंथिसिस जो है वो लेम ब्रश में एक स्पेसिफिक साइड पर होती है जिसको नाम देते हैं बल्बयानी रिंग्स का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज टोनोप्लास्ट पेलीकल यूनिट मिम्रेन मीजोसोम तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू क्रोमोसोम्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको नाम देते हैं पेलीकल का अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने ई एस टी बायलोजी की बाकी वीडियोस नहीं देखी तो अभी इस चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करें ई एस टी बायलोजी के नाम से और उसके अंदर आपको बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्रोमोसोम्स विद सेंट्रोमियर एट वन एंड इज़ कॉल्ड मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक टीलोसेंट्रिक एकरोसेंट्रिक तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री कि अगर क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमियर है वो एक एंड पे प्रेजेंट है तो इसको नाम देते हैं टीलोसेंट्रिक का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स डी एन टेक्स प्लेस इन तो डीएनए एन या डीएनए एन जो है वो एस फेज के अंदर टेक्स प्लेस होती है करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन वन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वैन पेयरिंग अकर्स इन क्रोमोसोम्स तो म्यूसिस के दौरान क्रोमोसोम्स की जो पेयरिंग है वो किस स्टेज पे होती है लेप्टोटोइन जाइगोटीन पैचिटीन और डाइकनाइसिस तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू जो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग है इसको नाम देते हैं सेनेप्सिस का जो कि जाइगोटीन स्टेज पे बनती है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज प्रोफेज मेटाफेज टीलोफेज इंटरफेज इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर एक सेल साइकिल की जो एक्टिव स्टेज है वो इंटरफेज है क्योंकि इसमें सेल अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है और इसमें मेटाबोले एक्टिविटी भी काफ़ी हाई होती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच टाइप ऑफ डवियन लीड्स टू द पोलीप्लाईडी क्रिप्टोमाइटोसिस म्योसिस एंडोमाइटोसिस ए माइटोसिस तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री एंडोमाइटोसिस एंडो रेप्लीकेशन जो है वो एक तरह की जीनेटिक मटीरियल की रेप्लीकेशन uh, को कहते हैं इन दी एबसेंस ऑफ सेल डवियन और ये लीड uh, करती है पोलीप्लाईडी को तो करक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन थ्री है क्वेश्चन नंबर थर्टी विच एलिमेंट हेल्प इन स्पिंडल फार्मेशन मैगनीज कैल्शियम लेड आर ए जी तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन टू है कैल्शियम आइंस जो है वो स्पिंडल फार्मेशन या ट्यूब्यूल फार्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन कॉल्चीसिन माइटोटिक पॉइजन अरेस्ट द सेल डवियन इन विच फेज जी वन फेज जी टू फेज एन अ फेज मेटाफेज तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर कॉल्ची जो है वो एक माइटोटिक पॉइजन है जो कि माइटोसिस को अरेस्ट करता है इन मेटाफेज स्टेज बाई इंटरफियरिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल तो स्पिंडल फार्मेशन में जो है वो इंटरफेयर करता है जिसकी वजह से जो माइटोसिस है वो अरेस्ट हो जाती है स्टेज पर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू न्यूक्लियर इन्वेलप रीअपियर एट मेटाफेज प्रोफेज एनाफेजेज तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर न्यूक्लियर इन्वेलप प्रोफेज में जो है वो डिसअपयर हो जाती है और रीअपेयर दोबारा होती है टीलो में क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री साइनैप्टोनिमल कम्प्लेक्स वाज फर्स्ट अब्जार्ड बाई तो सनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स को सबसे पहले नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में फैसेट एंड मोसेस ने जो है वो ऑब्जर्व किया था और ये सेनेप्टोनेमल कम्प्लेक्स जो है वो जाइगोटीन स्टेज पे बनता है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर अ सेल इज़ बॉन्ड टू डिवाइड इफ इट हैज़ इंटर जी टू फेज जी वन फेज प्रो फेज एस फेज तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर जब एक सेल जो है एस फेज के अंदर इंटर होता है तो वो लाजमी तौर पर डिवाइड होता है वाई बिकॉज द डी एर ऑफ द सेल स्टार्ट इन एस फेज क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव द लॉन्गेस्ट फेज़ इन म्योटिक डिवीजन इज तो माई म्योसिस की जो लॉन्गेस्ट फेज़ है वो प्रोफेज़ वन है वाई बिकॉज द जेनेटिक रिकम्बिनेशन आर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन प्रोफेज़ वन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइटोसिस इज ए माइटोसिस क्रिप्टोमाइटोसिस एंडोमाइटोसिस जैगोटिक माइटोसिस तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू क्रिप्टोमाइसटोसिस इज आल्सो नोन एज प्रो माइटोसिस एंड इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइटोसिस और ये मोस्ट ऑफ द प्रोटोसोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन इन एनिमल्स रैंडम कोट्रल तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू एनिमल्स के अंदर जो साइटोकनिस है ये पेरीफ्री से स्टार्ट होती है और सेंटर की तरफ मूव करती है तो इस तरह की जो साइटोकनीसिस है डवीन है क्लीवेज प्रोफार्मेशन है इसको नाम देते हैं सेंट्रीपैटलोकिस का क्वेश्चन नंबर थर्टी एट क्या अपेयर्स ड्यूरिंग डिप्लोटीन आर लिप्टोटीन तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री क्या फार्मेशन जो है वो क्या uh, अपीयर होती है फर्स्ट टाइम इन डिप्लोटीन स्टेज और जबकि क्रॉसिंग ओवर जो है वो पैचीटीन स्टेज में होती है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन साइनोनेमल कम्प्लेक्स फर्स्ट अपेयर तो सनेप्टोनेम्पल कम्प्लेक्स जो है सबसे पहले बनता है जाइगोटीन स्टेज में अपेयर होता है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर 40 टी ऑफ प्रोटीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर्स टेक्स प्लेस इन जी वन फेज एस फेज जी टू फेज एम फेज तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर सॉरी करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री स्पेंडल फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटीन्स रिक्वायर होते हैं वो जी टू फेज के अंदर बनते हैं